कैदी नंबर 4470 जिन अस्पताल मुंतकिल, सख्त सिक्योरिटी हिसार में अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने पर इस्तकबालिया पर खड़े रहे, 6 मिनट के इंतजार के बाद लिफ्ट के जरिए तीसरे फ्लोर पर पहुंचे। लीगी रहनुमाओं से मुलाकात, बोले मुल्क कौम की खिदमत करने वालों को आजमाइश का सामना करना पड़ता है, अवाम के सामने सुरखरू होंगे, इत्मीनान है। शहबाज शरीफ भी सुरखरू होकर बाहर आए हैं, मुझे भी अदालत से इंसाफ की तवक्को है। 5वां बोर्ड, 5वीं बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल और गुर्दों के मरीज, नवाज शरीफ के कमर में दर्द निकल आया। कमर दर्द से मुतलिका डॉक्टर तलब, अस्पताल के किस कमरे में रखा जाए, इंतजामिया में खलबली। 1400 कमरों में से एक भी ना भाया, कार्डिक वार्ड, सर्जरी वार्ड, गायनी यूनिट कोई पसंद आया। आखिरकार वीआईपी कमरे में मुंतकली का फैसला। कमरा नंबर 5 नवाज शरीफ की ख्वाहिशात के मुताबिक तैयारी, हंगामी बुनियादों पर सीलिंग और तजीन व आराइश का काम। नवाज शरीफ के लिए कमरे की तलाश के दौरान मरीज खार होते रहे। तिब्बी मुआयने के लिए प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। प्रिंसिपल जिना अस्पताल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल कहते हैं अस्पताल में सहूलियात मौजूद हैं, बोर्ड के मुताबिक इलाज होगा। नवाज शरीफ को आरामदेह और हवादार कमरे में रखा जाता तो मरीजों को मुश्किलात होती, मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर एंजियोग्राफी करने का फैसला करेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, नवाज शरीफ को बहुत निगहदाश्त की जरूरत है, नून लीग का ही नहीं सबका एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की बहन के भी 40 अरब निकल आए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुशाहिदुल्ला परवेज मलिक बोले नवाज शरीफ को एक दूसरे अस्पताल ले जाना ज्यादती है, PIC बनने में नवाज शरीफ का अहम किरदार है। नून लीग के कायद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इलाज के लिए एक जामे और मुकम्मल बोर्ड तश्कील दिया गया है। आरिफ तजम्मुल को इंतजामी सरबरा होने की वजह से बोर्ड का सरबरा बनाया। पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ पर सियासत नहीं करना चाहती, सूबाई वजीर इत्तला फयाजुल हसन चौहान। शरीफ बरादरान की डील हुई या नहीं, कुछ तो है, बातें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दावे झूठ साबित हो रहे हैं, पहले गाड़ियां फरोख्त की अब किराए पर ले रहे हैं, जितने की गाड़ियां फरोख्त की गई उतना किराया दिया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की जमानत की रुबकार जेल हुकाम को मौसूल, राना मुबशर इकबाल ने कैंप जेल से मोहर लगवाकर रुबकार पेश की। कायदे हिज्ब इख्तलाफ की रिहाई का परवाना जारी कर दिया, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट रिहाई की रुबकार एहतसाब अदालत में कल पेश करेंगे। ऑफशोर कंपनी केस, सलीम खान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी, नैब के हवाले। मुलजिम ने 9 रोज के रिमांड में कोई तावुन नहीं किया, नैब प्रोसिक्यूटर इस्तीफा दिया, वजीर नहीं रहे फिर भी कह रहे हैं कि तावुन नहीं किया, अदालत के रिमार्क्स। जायदाद की खरीदो फरोख्त में 1.5 अरब का फर्क आ रहा है, नैब प्रोसिक्यूटर के दराए। अलीम खान वालिद से मिलने वाली रकम के जराए बताने में नाकाम रहे, तफ्तीशी की रिपोर्ट। 2018 तक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं था, 11 साल ये क्या करते रहे, क्या पहले उन्होंने भंग पी रखी थी, अब्दुल अलीम खान। अलीम खान की पेशी, तहरीक इंसाफ के कारकुनान का रश, धक्कम फेल, पुलिस के साथ झड़प, हाथापाई। एहतसाब अदालत के जज को भी पैदल आना पड़ा, सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स तलब करना पड़ी। कारकुनों ने अलीम खान की गाड़ी को घेरे रखा, अलीम खान के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, नैब ने जो बातें पहले दिन की 9 रोज बाद भी वही बातें कर रहा है। PTI रहनुमा शुएब सिद्दीकी की गुफ्तगू। चौधरी बरादरान का बैरून मुल्क जायदाद के इल्जाम पर नैब को चैलेंज, चौधरी बरादरान कहते हैं नैब पेरिस में जायदाद साबित कर दे, सारी जायदाद उनके हवाले कर देंगे, पेरिस जाने वाली नैब टीम के तमाम अखराजात भी बर्दाश्त करेंगे, जायदाद रिकॉर्ड के मुताबिक साबित हो गई तो प्ली बार्गेन करके हवाले करेंगे। नैब हुकाम की पेरिस में जायदाद के हवाले से खबरों की तरदीद, पेरिस में चौधरी बरादरान की कहीं जायदाद का जिक्र नहीं किया, तर्जमान नैब। We'll be right back.
वापस। साहिवाल में बड़ी पेशरफ्त, गोलियां सीटीडी अहलकारों ने चलाई। सबूत मिल गए, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के डिस्क तब्दील किए जाने का इंकशाफ। फॉरेंसिक माहिरीन ने डिस्क तब्दील करने वाले का नाम बता दिया। असली डिस्क आती तो मालूम हो जाता, गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया। जो SMG राइफलें भेजी गई वो भी तब्दील थी। फॉरेंसिक एजेंसी ने हतमी रिपोर्ट मुतलका हुकाम को भेज दी। आला अफसरान का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की तजवीज। JIT ने सानिया साहिवाल के मकतूल जीशान के भाई एहतशाम का बयान कलमबंद कर लिया। वाकये से मुतालिक सोशल मीडिया की वीडियोस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। फुटेज बनाने वाले अफराद के बयान भी कलमबंद किए जाएं, एहतशाम का मुतालबा। वज़रा का शाहाना अंदाज मुस्तरद, अवामी फला पर तरजीह। वज़रा की रिहायश गाहों की तज़ीन व आराइश का मनसूबा रद्द। अस्पतालों की बेहतरी मनसूबे तरजीहात में शामिल। स्पेशल एजुकेशन में भर्ती पर पाबंदी खत्म। तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी ब्राय फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के इजलास के फैसले। मियां असलम इकबाल कहते हैं अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे तरजीह। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ब्राय डेवलपमेंट के अराकीन का इजलास। चीफ सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी पर सैनेटर उस्मान काकड़ बरहम। पंजाब हुकूमत ने हमें कोई अहमियत नहीं दी, उस्मान काकड़ चेयरमैन PND की ब्रीफिंग से गैर मुतमिन होकर इजलास से चले गए। जादू टोने की सरकार नामंजूर नामंजूर। फयाज हसन चौहान के कमरे से हड्डियां बरामद होने पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का इजहार तशवीश। आज खुद नोटिस केसेस में फैसलों के हवाले से बात। पाकिस्तान बार काउंसिल के ओहदेदारान का मुआहिदा और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लाइब्रेरी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान ने लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। 5 खुली कचहरियों में शिकायत के हल की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई और तमाम हुक्काम को और अफसरान को खुली कचहरी लगाने की हिदायत भी जारी की गई। CCPO और DIG ऑपरेशंस की भी खुली कचहरी। CCPO को 12 दरखास्तें मौसूल, DIG ऑपरेशंस को 18 अर्जियां दी गई। DIG ऑपरेशंस बोले शहरी बिला झिझक खुली कचहरी में आए, अवाम के जानमाल का तहफ्फुज हर सूरत यकीनी बनाएंगे। अपार्टमेंट का मालिक अब प्लॉट में भी हिस्सादार होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार फ्लैट मालिकान को प्लॉट में मालिकाना हकूक मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने पंजाब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। कसीरुल मंजिला इमारत के मालिक की जानिब से कंपनी के नाम पर प्लाजा बनाया जाएगा। चार रोजा इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का आगाज। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कहा सेहतयाबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म विजन के मुताबिक इंसाफ सेहत कार्ड का इजरा किया गया। ESL का जुनून, ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त जारी। चंद घंटों में 500 और 1000 रुपए वाली टिकट्स फरोख्त। ऑनलाइन वेबसाइट पर सिर्फ 2 और 3 हजार की टिकट्स दस्तियाब। टिकट 25 फरवरी से शहरों में कायम सेंटर से दस्तियाब होंगे। शहरी वक्त बचाएं, लाहौर कैलेंडर्स के अलावा कोई मैच देखने ना आए। जिले इंतजामिया और PHA की मैचेस दिखाने से मुतालिक अनोखे मंतक। बड़ी स्क्रीनों पर सिर्फ लाहौर कैलेंडर्स के मैचेस दिखाए जाएंगे।